अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और आज मैं बनाना चाह रही हूँ गुड़ वाला हलवा। गुड़ वाला हलवा इस वजह से बनाना चाह रही हूँ कि आजकल थोड़ा वेदर जो है वो चेंज हो रहा है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, बच्चों को कफ़ और थोड़ा फ्लू वगैरह की शिकायत हो रही है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। टेस्ट का टेस्ट है और आप लोगों की रेमेडी है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये आलमंड है और ये पिस्ता है जो कि हमें आउट ऑफ शेल करना है। उसके बाद ये किशमिश है। ये गुड़ मेरी फ्रेंड ने मुझे गांव से ला के दिया था, इस वजह से मेरे माइंड में आया कि मुझे जो है वो गुड़ वाला हलवा बनाना है आज। और इसके अलावा ये मक्खन है। आज मैं मक्खन में हलवा बनाऊँगी क्योंकि मक्खन में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकती हैं और आप चाहें तो ऑल जो ऑर्डनरी घी होता है उसमें भी बना सकती हैं। और ये जी सूजी है, और सूजी मैंने आज ली है 1 पाव, और 1 पाव सूजी में तकरीबन 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। A few moments later, ये देखिए व्यूअर्स, मैं सूजी भून रही हूँ बिल्कुल हल्की आंच में, और जो मक्खन था सारा वो डिसअपियर हो गया। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि जैसे ही सूजी अपना कलर चेंज करेगी वैसे ही जो है मक्खन और जो घी जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो साइडों से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैंने कई जगहों पर नोटिस किया है कि सब यही बोलते हैं कि आप 2 मिनट भुने, 3 मिनट भुने, 5 मिनट भुने, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता ना तब तक आपको सूजी को भूनना चाहिए। और कलर चेंज होने के बाद समझ जाएँ कि सूजी जो है अच्छे तरीके से भून चुकी है और उसके दाने दाने बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग जिस तरह पूरी हलवे के साथ जो होटल वगैरह से लेकर आते हैं हलवा, उसमें दाने बने होते हैं और बहुत मेल्सी और बहुत खूबसूरत सी लग रही होती है और उसमें शाइनिंग आ रही होती है, सेम इसी तरह अगर आप अच्छे तरीके से सूजी भूनेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी और ये बिल्कुल वैसे ही दानेदार बनेगी हलवा। सूजी का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने शीरा बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने बादाम और पिस्ता डाल दिया था। ये शीरा थोड़ा डार्क ब्राउन इस वजह से हो गया है कि ये गुड़ जो है ये काफ़ी प्योर है। ये देखिए, साथ साथ आपको चम्मच चलाना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा लाइट ब्राउन, कितना अच्छा और रियल कलर आ रहा है। असल में सूजी का रियल कलर यही है वैसे। ये देखिए, अब ये हल्की आंच पे पकता रहेगा और थोड़ा सा अगर आप और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए ठीक, अब थोड़ी सी फ्लेम को ऊपर कर दें और अब ये हल्की आंच पे पकेगा। अब मैं आपको लास्ट फाइनल टच जो है वो दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, साइडों से जो है मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है और इसकी आप शाइनिंग चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और शाइन भी कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए व्यूअर्स, किशमिश मैंने ऊपर डाल दी है, आप चाहें तो बीच में भी डाल सकते हैं। ये है फाइनल टच और इतना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं, और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।